नमस्कार, डेली डाइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं फरीदाबाद के फोर्टिस हॉस्पिटल में, जहां पर एक मदर और चाइल्ड विंग की ओपनिंग की गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इंदु। मैम, क्या है और कैसे इससे महिलाओं को सहायता मिली? ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक लेडी का बिगनिंग से लेकर बच्चा पैदा होने तक और 2 साल तक के बच्चे तक का कॉम्प्रिहेंसिव पूरा देखभाल होगी। जैसे एक लेडी आती है, वो प्रेग्नेंट होगी, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उसके लिए उसका प्रॉपर चेकअप, प्रीनेटल चेकअप, उसके सारे फीटल मेडिसिन में कि कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारे टेस्ट, फिर उसकी डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद बच्चा पैदा होने के बाद वो कैसे बच्चा बढ़ता है, ये सब इस प्रोग्राम के अंदर आएगा। और ये सारी फैसिलिटीज़ एक ही रूफ के नीचे हैं। मैम, अभी देखा हमने यही में चीज़ पे आ रहा था कि अभी देखा कि सारे रूम पास पास में है, तो इसके मतलब कोई वजह है या किस लिए ऐसा किया गया कि सारे रूम मतलब पास पास ही अलग विंग बना दी गई? अलग विंग में यही आपको मैं बता रही हूँ कि एक जब मदर आती है, जब भी एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो बहुत मेन फोकस होता है एक फैमिली का। उसके साथ उसकी मदर इन लॉ भी हमारे पास आती हैं, उसकी हस्बैंड भी आते हैं, और जब उसका एक बच्चा हो जाता है तो भी ये सारी फैमिली साथ में आती है। तो अगर 2 रूम साथ हैं तो मदर हमें अगर दिखाने आ रही है तो बगल का ही रूम अगर पीडियाट्रिशियन का है तो वो बहुत आराम से उसको वहाँ दिखा सकती है। फिर ऐसे में अगर उसका दूसरा बच्चा हो जाता है साथ में, तो वो बच्चे के वैक्सीनेशन चल रहे हैं, बच्चे का सारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो एक फैमिली आके एक मदर को दिखाने आ जाती है, तो दूसरा एक बच्चे को दिखा रहा होता है, एक छोटे बच्चे को दिखा रहा होता है, तो ये साथ साथ रहने की वजह से, पास पास होने की वजह से ज़्यादा कंफर्टेबल है। और उसमें हमें भी पता चलता रहता है कि ये बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि जो भी डिलीवरी होती है ये एक परिवार के साथ संबंध जुड़ जाता है एक गायनेकोलॉजिस्ट का। आज के दौर में क्या है, सर्जरी ऑपरेशंस के थ्रू डिलीवरी बहुत हो रही है, तो इसमें कुछ गाइडेंस में कमी रहती है या कहाँ पर दिक्कतें आती हैं जो इनका रेशियो ज़्यादा बढ़ रहा है? रेशो ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आजकल प्रेगनेंसीज हाई रिस्क ज़्यादा हो रही हैं। प्रेगनेंसी हाई रिस्क का मतलब है कि जैसे लेट प्रेगनेंसीज बहुत सारे पेशेंट करते हैं, जब प्रेगनेंसी लेट होती है तो उसमें इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, प्रेगनेंसी मुश्किल से हो रही है। लेट एज में प्रेगनेंसी हो रही है तो मदर को ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने का चांस रहता है, वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। मदर को आजकल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गया है, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है। सो इन सब के चलते हुए जैसे ही रिस्क ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी बढ़ती है तो उसमें रिस्क ऑफ नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा हो जाता है, तो चांसेस उसमें सिजेरन के बढ़ जाते हैं, इसीलिए इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। प्लस कई बार आजकल पेशेंट्स की विल होती है अपने आप कि मुझे सिजेरन ही कराना है, मुझे दर्द लेना ही नहीं है, ये पेशेंट यूट्यूब और उस पर डिलीवरी के प्रोसेस देखते रहते हैं और डर जाते हैं, तो आके सीधे से बोलते हैं कि हमें सिजेरन ही कराना है। बहुत समझाने के बावजूद भी कई पेशेंट इलेक्टिव सिजेरन कराना चाहते हैं। IVF वाले पेशेंट भी इतने हाई रिस्क होते हैं कि हमें भी कई बार लगता है कि इसको ठीक ठाक से एक बच्चा मिल जाए तो सिजेरन ऑप्ट कर लेते हैं पेशेंट भी और डॉक्टर भी कन्वीनियंटली। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर इंदु, जिन्होंने बताया कि जो चाइल्ड और मदर विंग बना है वो कैसे महिलाओं को एक सेफ डिलीवरी के लिए कारगर होगा।